आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल के बैच फिंगर ब्रेड रोल्स। आज के जो ये फिंगर ब्रेड रोल है ये है 3-in-1 रेसिपी जिसमें आपको कटलेट का भी स्वाद आएगा, ब्रेड रोल का भी, पिज्जा का भी, खाकर मजा आ जाएगा। जितने खाने में टेस्टी, बनाने में तो सुपर सिंपल और आसान। और सबसे अच्छी बात, ये फिंगर ब्रेड रोल्स बनाने के लिए ना तो आपको ब्रेड को बेलना है, ना ब्रेड में भरना है, ना पानी में भिगोना है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू स्टाइल के क्रिस्पी फिंगर ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम चढ़ाएंगे एक पैन और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बिल्कुल बारीक जिसको मैंने चॉप कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे और प्याज के हल्का सा नरम होते ही यानी ट्रांसलूसेंट होते ही इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीजें। तो मैंने यहाँ ली है 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सभी चीजें यहाँ डाल देंगे, करेंगे मिक्स, फ्लेम को कर देंगे मीडियम, बस 1 मिनट हल्का सा भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 गाजर बारीक जिसको मैंने चॉप कर लिया है। सब्जियां आप अपने मन की कोई भी इसमें डाल सकते हैं। आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब, अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे और हल्का सा नरम होने तक भून लेंगे। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न, अगर आपके पास घर में हो तो जरूर डालिएगा, इसमें बढ़िया लगते हैं, बहुत बच्चे बड़ा लाइक करते हैं और बिना इसके भी आप तैयार कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न यहाँ मैंने पहले से जो फ्रोजन वाले होते हैं ना वो वाले लिए हैं, तो वो पहले ही नरम होते हैं तो मैंने वो वाले लिए हैं, आप अगर दूसरे वाले लें तो उनको थोड़ा सा बॉईल करके फिर डालें। और 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू जिनको मैंने बिल्कुल बढ़िया से मैश कर लिया है, तो ये आलू सारे इसमें उबले हुए हम डाल देंगे। अब जो ये मिक्स बनेगा ना बड़ा ही यम्मी बनेगा और आलू को भी इस सारी वेजीज के साथ बढ़िया से करेंगे मिक्स, एक बहुत ही टेस्टी सी फिलिंग हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और बहुत ही मजेदार बच्चों की पसंदीदा इटालियन सीजनिंग यानी पिज्जा वाली सीजनिंग, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ ऑरिगेनो, अच्छे से करेंगे मिक्स। आप चाहे तो घर के जनरल मसालों से भी इसको तैयार कर सकते हैं या पिज्जा के साथ जो छोटे वाले पाउचेस आते हैं ना सीजनिंग के वो पड़े हो तो वो यूज कर लीजिए। हमारी बढ़िया सी फिलिंग हो गई है बिल्कुल रेडी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका मिक्स कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बंद और मिक्स को होने देंगे पूरी तरह से ठंडा। अब यहाँ मैंने ली है सिंपल 8 ब्रेड स्लाइस, ये सिंपल मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ ब्रेड को हमें कुछ नहीं करना है, आप लीजिए एक बोल और बोल में ब्रेड के सिंपल ऐसे पीसेस करेंगे हाथ से रैंडमली, एकदम आसान तरीका आपको बता रही हूँ, सारे पीसेस बिल्कुल इसी तरह से हम कर लेंगे 8 ब्रेड के। और इस ब्रेड पर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, ऐसे समझिए लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच थोड़ा सा दूध डाल देंगे, पानी भी डाल सकते हैं लेकिन दूध डालने से जो टेस्ट है हमारे फिंगर रोल्स का बहुत ही गजब का आएगा। और बस 2 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे जिससे कि जो ब्रेड है वो थोड़ी नरम हो जाए। और ये लीजिए ब्रेड बिल्कुल बढ़िया से फूल गई है, अब बस हाथ से इस तरह से इसको कर देंगे बढ़िया से मैश। ब्रेड हमारे जो फिंगर रोल्स है उसको ज्यादा देगी क्रिस्पनेस और टेक्सचर। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने ब्रेड को मैश कर लिया और अभी आप देख सकते हैं एकदम डो की तरह से ये मिक्स तैयार हुआ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गीला नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि जो दूध डालें बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, अगर आपसे गलती से दूध ज्यादा पड़ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेड की मात्रा आप और बढ़ा लें। बिल्कुल बढ़िया हमारा मिक्स तैयार हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा आलू वाला पूरा मिक्स, पूरी तरह ठंडा हो चुका है सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बच्चों की फेवरेट और हम सभी की फेवरेट मोजरेला चीज यानी पिज्जा वाली चीज, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास घर में हो तो आप डालें वरना इसके बगैर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने ये पिज्जा वाली चीज ली है, इसकी जगह पर आप चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं, घर में होती है ना हम लोग के पास यूजुअली चीज स्लाइस तो वो तोड़कर डाल दीजिएगा, या प्रोसेस चीज हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, इससे जो हमारे फिंगर रोल्स है उनका टेस्ट एकदम ही अमेजिंग हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और अब इसमें हम बढ़िया सी क्रिस्पनेस यानी कुरकुरेपन के लिए और अच्छी बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्न स्टार्च जिसे हम कॉर्नफ्लावर बोलते हैं, यहाँ पर मैं लगभग डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो इसकी जगह आप डाल सकते हैं चावल का आटा यूज कर लीजिए या फिर अरारोट पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, और अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। कॉर्न स्टार्च वगैरह डालने से क्या होता है कुरकुरापन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ऑयल में जाकर जब हम फ्राइंग करते हैं तो फटते भी नहीं है। और ये लीजिए हमारा मिक्स हो गया है बिल्कुल बढ़िया से रेडी, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, एकदम परफेक्ट। तो अगर इसके हम फिंगर रोल्स बनाएंगे तो बहुत ही इजीली हमारे फिंगर रोल्स बनकर तैयार होंगे, ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर। तो चलिए फटाफट बनाते हैं फिंगर रोल्स, हाथ को हल्का सा ग्रीस करके इसमें से लेंगे 1 छोटे साइज की बॉल, इस तरह हथेली के बीच में रखकर इस तरह कीजिए गोल और इस तरह गोल करके हथेली के बीच में बिल्कुल इस तरह हम इसको घुमाएंगे,
ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको करेंगे प्रेस और शेप अप कर देंगे। आपको कितने लंबे, किस शेप के इसको बनाना है, पूरी तरह आपकी चॉइस है। मैं इसको फिंगर ब्रेड रोल की शेप दे रही हूँ, इससे मैं ये शेप बना रही हूँ, बहुत सुंदर लगेंगे। थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से कर दीजिए रखकर प्रेस, परफेक्ट। ये देखिए एकदम बेहतरीन हमारा रोल तैयार हो गया। तो सभी को बिल्कुल इसी तरह से हम तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने सारे ही फिंगर ब्रेड रोल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखिए, सिंपल थोड़ी सी चीजों से कितने सारे, लगभग 35 से 40 आप फिंगर ब्रेड रोल्स तैयार कर सकते हैं, वो भी इतने आसान तरीके से। अब यहाँ पर मैं फिंगर ब्रेड रोल्स को दे रही हूँ एक जबरदस्त कैफे वाला लुक, यानी जो आप रेस्टोरेंट से, कैफेज या पार्टी में स्नैक्स खाते हैं तो ऊपर से एकदम कुरकुरे से होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। फिंगर ब्रेड रोल को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यह हम लेंगे एक बोल में 3 बड़ा चम्मच मैदा। आप चाहे तो यह मैदा की जगह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। इससे जो लुकिंग है वो तो आएगी बहुत सुंदर, साथ के साथ बहुत ही क्रिस्पी हमारे फिंगर रोल्स तैयार होंगे और बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसकी एक पतली स्लरी यानी घोल तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए साथ में ब्रेड क्रम्ब, सिंपल ब्रेड को मिक्सी में डाला पीसेस करके और उसको थोड़ा सा चर्न कर लिया यानी ग्राइंड कर लिया, तो इस तरह से आपको ये ब्रेड क्रम्ब बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे। अब आप लीजिए एक फिंगर रोल और फिंगर रोल को हम डालेंगे इस स्लरी में इस तरह, और डिप कर इस तरह हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। फिर जो इसकी लुकिंग और टेक्सचर आएगा, मजा आ जाएगा, सब पूछेंगे आपने ये कैसे बनाए। बस इस तरह से और रखते जाएंगे एक प्लेट पर। इस तरह से फिंगर रोल को करेंगे डिप और डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में करेंगे कोट, बिल्कुल इस तरह से पूरा अच्छे से कोट कर देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान, ये देखिए परफेक्ट। और सारे ही अपने ब्रेड फिंगर रोल्स इस तरह से तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर से हमारे फिंगर ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम लुकिंग कितनी बढ़िया आई है, बनने के बाद लुकिंग में भी, खाने में तो सुपर टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आप इन्हें अभी फ्राई करना चाहते हैं तो अभी फ्राई भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन में, आप लगभग 12 से 15 मिनट के लिए इन्हें बेक करें। और अगर आपको अभी ये नहीं खाने हैं तो आप इन्हें 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सारे इस तरह बना करके एक एयर टाइट बॉक्स में भर करके आप रख दीजिए फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं। फिर जब दिल चाहे निकालिए और जैसे बाजार के फ्रोजन फूड्स आप गर्म तेल में फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इनको फ्राई कर लीजिए। बेहतरीन आपके इंस्टेंट फिंगर ब्रेड रोल्स तैयार हो जाएंगे। तो इनको आप बोल सकते हैं मेक एंड फ्रीज वाली रेसिपी। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप 10-15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए फ्रिज में, जिससे कि जो ये ब्रेड क्रम्ब लगाया है ना, बढ़िया सेट हो जाएगा। और टाइम कम हो तो आप अभी की अभी भी इसको फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल को बिल्कुल बढ़िया से गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब अच्छा गरम तेल होगा तब इसमें हम धीरे धीरे करके अपने फिंगर ब्रेड रोल्स डालते जाएंगे, और अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब ये हल्के से फर्म हो जाएंगे और बबल्स कम हो जाएंगे तब इसे उलट पलट कर देंगे। एक बार में जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उसी हिसाब से डालें। बढ़िया से गोल्डन होने तक हम इसे क्रिस्पी एकदम फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर भी आप फ्राई ना करें, इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर तक ये बढ़िया सिके। हल्का हल्का गोल्डन कलर दिख रहा है तो एक स्पून से धीरे से अपने फिंगर रोल्स को उलट पलट कर देंगे। बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है तो इस स्टेज पर हम अपने सारे फिंगर ब्रेड रोल्स निकाल लेंगे। सुपर, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या सुंदर से हमारे क्रिस्पी करारे और वो भी इतने टेस्टी 3-in-1 वाले फिंगर रोल्स तैयार हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बूंद ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है हमारे ब्रेड रोल्स ने। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, ठंडे हो जाने के बाद भी ये कुरकुरे ही बने रहेंगे जिस तरीके की इसकी आउटर कोटिंग है। परफेक्ट। और बिल्कुल इसी तरह हम अपने सेकंड बैच के भी ब्रेड फिंगर रोल्स फ्राई कर लेंगे। तो है ना आसान, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में कब बना रहे हैं आप ये, और जब बनाए तो उसकी एक पिक्चर भी ले लीजिएगा मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम कुक विद पारुल पर जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही कुरकुरे करारे अमेजिंग वाले 3-in-1 फिंगर ब्रेड रोल्स। तो है ना कितना आसान, आप भी इसे जरूर बनाइए, बहुत पसंद आएंगे आपको ये टेस्ट में। इसको मैंने यहाँ सर्व किया है टोमेटो केचप और डिप के साथ। आप अपने मनचाही चटनी सॉस किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, प्लेन भी खा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे फ्लेवर तो खुद फिंगर रोल्स में ही है। मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है जैसे आपके यहाँ किटी पार्टी है, गेट टुगेदर है, या अभी रमजान चल रहे हैं तो इफ्तार के लिए आपको बनाना है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि खाने में एकदम लाजवाब है। पहले से बनाकर आप रख सकते हैं, तुरंत फुरंत ये तैयार हो जाती है। और ये देखिए इसका ऊपर का क्रिस्पी टेक्सचर, और ये देखिए है ना एकदम यमी, क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट मजेदार, खूब वेजीज से भरे हुए, हेल्दी टेस्टी। तो इस बार अपने मेहमानों को सरप्राइज दीजिए इस नई तरीके के फिंगर ब्रेड रोल्स के साथ। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। रोज देखिए मेरे साथ एक से एक नई इनोवेटिव रेसिपीज, और वो भी बहुत आसान तरीके से कम सामान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।